अपाचे आरटीआर 164V के अंदर ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अपना मीटर कंसोल ऑन करो, उसके बाद जो ये मोड बटन है थोड़ी देर प्रेस करके रखो। ये देखिए यहाँ पर आ गया सेट एमपीएच मोड, एक बार और मोड बटन दबाओ क्लॉक सेटिंग, एक बार और मोड बटन दबाओ बेयरिंग मोड। इसके बाद आपको दबाना है सेट बटन। नो डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है। अब अपने फ़ोन में जा करके आप TVS कनेक्ट ऐप के थ्रू इसको कनेक्ट करो। अब आपको सीधा TVS कनेक्ट ऐप के अंदर जाना है। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हो कनेक्शन मेरा सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है और ये सारी यहाँ पर ऑप्शंस दिखा दिए हैं। मेरा मीटर कंसोल जब तक ऑन रहेगा तब तक यहाँ पर स्टॉप राइड का ऑप्शन आता रहेगा, क्योंकि उससे इस ऐप को ये लगता है कि आपकी बाइक अभी राइडिंग पर है। बट जब तक उसका मीटर नहीं चलेगा, मतलब जब तक उस पर ओडोमीटर पे रीडिंग नहीं बढ़ेगी, तब तक ये स्पीड और डिस्टेंस अभी दिखाएगा नहीं। एंड सेकेंडली मैं आपको मीटर कंसोल पर दिखाता हूँ कि अभी क्या शो कर रहा है कनेक्ट होने के बाद। तो भाई फाइनली ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आपने देख लो डिस्प्ले के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आने लगी है, मोबाइल नेटवर्क शो कर रहा है 4G। लेकिन यार ये 4G क्यों दिखा रहा है, मेरे नेटवर्क तो 5G हैं। बट कोई नहीं, ये मीटर कंसोल पुराने टाइम में बना होगा, शायद इसलिए दिखा रहा है 4G यहाँ पे लिखा हुआ। साथ में बैटरी इंडिकेटर दिखा रहा है कि मेरे फ़ोन में बैटरी कितनी है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर आइकन बना आएगा। तो अभी तक मेरे पास कोई इन नोटिफिकेशन है नहीं, तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पर। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी मेरे फ़ोन में, यहाँ पर वो आइकन दिखाने लगेगा। अब बात आती है कि ये आई बटन किसके लिए काम आएगा। तो ये आई बटन भाई तब काम आता है जब आप राइडिंग के टाइम पे चेक करते हो डिस्प्ले के ऊपर, आपको दिखाएगा कि भाई किसी की कॉल आ रही है। अगर आपको रिसीव करना है तो ऑब्वियसली आप बाइक रोकोगे साइड में, फिर उस फ़ोन को रिसीव करोगे, देन अपनी राइड कंटिन्यू करोगे। बट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है कि ये कोई अननोन कॉल आ रहा है या फिर आप कॉल नहीं उठाना चाहते हो, तो इस आई बटन को दो बार प्रेस करना, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ दी है TVS ने अपाचे के अंदर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करते हैं आपको वो बताया, क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद TVS अपाचे 164V ब्लूटूथ एडिशन में। मेरे को तो काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। बाकी जब मैं राइड करूँगा इसको, उसके बाद कोशिश करूँगा फिर से एक बार रिव्यू वीडियो बनाने की कि भाई ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद मेरे को और क्या अच्छा देखने को मिला इसके अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Yeah, uh-huh, uh-huh, uh-huh.